हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए फ्रेश फूड में। आज हम बनाने जा रहे हैं बिना गैस जलाए, बिना मावा, बिना दूध के 5 मिनट में तैयार हो जाने वाली बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। इस मिठाई में आपको खोए की मिठाई जैसा टेस्ट आएगा। कोई मेहमान आने वाले हों तब आप इस मिठाई को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए हम वाइट ब्रेड का इस्तेमाल करेंगे। हमने 4 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। आप जितनी मिठाई बनाना चाहें उतनी ब्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले ब्रेड का चारों तरफ से ब्राउन वाला हिस्सा उतारेंगे। हमने ब्रेड के 4 पीस का ब्राउन हिस्सा उतार लिया है। अब इस ब्रेड स्लाइस को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप ब्रेड को किसी भी आकार में काट सकते हैं। सभी पीस हमने ट्रायंगल आकार के काट लिए हैं। एक कटोरी में दूध के ऊपर से उतारी हुई मलाई के 3-4 चम्मच लिए हैं। मलाई में बारीक बारीक कटा हुआ पिस्ता तथा काजू डालेंगे। आधा चम्मच बूरा चीनी का डालकर मलाई में मिक्स करेंगे। एक कटोरी में हमने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का सिरप लिया है। आप कोई भी फ्लेवर का सिरप ले सकते हैं। एक प्लेट में नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा आपको मार्केट में से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। नारियल के बुरादे को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। मिठाई तैयार करने के लिए ब्रेड स्लाइस के कटे हुए 2 टुकड़ों को लेकर इन पर मलाई की पेस्ट लगाएंगे। दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर सैंडविच की तरह बनाएंगे। इस मलाई वाले पीस को सिरप में डुबोकर चारों तरफ सिरप लगाएंगे। इस पीस को सिरप में डुबोकर रखेंगे नहीं, सिरप लगाकर तभी बाहर निकाल लेंगे। सिरप में से ब्रेड पीस को बाहर निकालकर नारियल के बुरादे में रखें और इसके चारों तरफ नारियल का बुरादा लपेट लेंगे। इस प्रकार हमारा एक मिठाई का पीस तैयार हो गया है। जब भी आप इस मिठाई को बनाएं तभी मलाई की पेस्ट लगाकर सिरप में से बाहर निकाल लें। ब्रेड सिरप में ज़्यादा देर तक रखने से सिरप में घुल जाएगी। इसी प्रकार हमने सारे मिठाई के पीस तैयार कर लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर करना और हमारे चैनल फ्रेश फूड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर दबा देना, जिससे आपको हमारी वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।